तो हमने इफ एल्स क्या है वो देख लिया, तो आज हम देखेंगे थोड़े क्वेश्चन आंसर इफ एल्स के, हम सॉल्व करेंगे। उन्होंने मेरा ये वीडियो नहीं देखा इफ एल्स का, वो आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक लेंथ एंड विड्थ फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ इट इज स्क्वायर और रेक्टेंगल। कैसे कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं लेंथ और विड्थ का। L इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, एंटर लेंथ। W इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, एंटर विड्थ। अब ये जो स्क्वायर है चारों साइड सेम होती है, ठीक है, मतलब कि लेंथ और विड्थ सेम होती है, और रेक्टेंगल की दोनों अलग अलग होती है। तो कंडीशन क्या होगी, इफ एल इक्वल इक्वल डब्ल्यू देन प्रिंट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एल और डब्ल्यू सेम ही होता है, मतलब कि आप एल बोलो या फिर डब्ल्यू बोलो, स्क्वायर का तो चारों बाजू सेम ही होता है, लेकिन रेक्टेंगल का अलग अलग होता है। तो मैं क्या लिखूँगी, इफ एल इक्वल इक्वल डब्ल्यू, मतलब कि दोनों अगर सेम है वैल्यू एल और डब्ल्यू की, तो फिर क्या प्रिंट करेंगे हम, स्क्वायर, अदरवाइज रेक्टेंगल। मतलब कि एल्स में क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल। इसको रन करके देखते हैं। राइट क्लिक एंड रन, एंटर लेंथ। सपोज कि मैं डालूँ 12 एंड 56, ये दोनों अलग अलग है, तो क्या हो गया, रेक्टेंगल। अभी मैं डालूँ 10 एंड 12 एंड 10, ये क्या हो गया, स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है लेंथ और विड्थ दोनों। अभी एल इक्वल इक्वल डब्ल्यू मेरी क्या हो गई, कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या रन होगा, स्क्वायर। अगर जहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई वहाँ पे क्या रन हो गया, रेक्टेंगल, मतलब कि एल्स पार्ट। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, टेक टू वैल्यू फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट ग्रेटेस्ट अमोंग देम। मतलब कि मैं दो इनपुट लूँ और दोनों में से जो बड़ा होगा उसको मैं प्रिंट करवाऊँ, ठीक है। तो मैं इनपुट लेती हूँ, n1 इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, एंटर नंबर। सेकेंड n2 इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, एंटर नंबर। यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड लिख देते हैं। अभी मेरे को कैसे पता चलेगा n1 यूज़र बड़ा डालेगा या फिर n2, ठीक है, मेरे को तो नहीं पता चलेगा, यूज़र कोई सा भी वैल्यू डाल देगा। तो मैंने क्या लिखा, फर्स्ट में 12, सेकेंड में 67, तो मुझे आउटपुट क्या होना चाहिए कि n2 n1 से बड़ा है या फिर n2 इज़ ग्रेटेस्ट। तो मैं कंडीशन क्या लिखूँगी, इफ़ अगर कोई यूज़र n1 बड़ा डाले और n2 छोटा, तो प्रिंट क्या होना चाहिए, n1 इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है। अगर कोई n2 बड़ा डाले और n1 छोटा, तो एल्स में तो कोई कंडीशन नहीं आएगी, लेकिन अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हुई तो कौन सा पार्ट रन होगा, एल्स वाला। तो बचा कौन, n2, तो n2 ही ग्रेटेस्ट होगा। अगर n1 ग्रेटेस्ट नहीं हुआ तो कौन ग्रेटेस्ट होगा, n2। तो मैं क्या लिखूँगी, n2 इज़ ग्रेटेस्ट। इसको रन करके देखते हैं, मैंने डाला 12, मैंने डाला 12 एंड 0, तो 12 बड़ा है, मतलब कि n1 फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, इसलिए n1 इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है। दूसरी बार रन करके देखते हैं, अभी मैं डालूँगी 0 एंड 12। अभी क्या आया, n2 बड़ा है, कौन सा पार्ट रन हुआ, एल्स वाला, तो प्रिंट क्या हो गया, 12 इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है। अभी मैं डालूँ 3 एंड 8, तो 3 ग्रेटर देन 8 कंडीशन फॉल्स हुई, कहाँ पे आ जाएगा, एल्स में, n2 इज़ ग्रेटेस्ट। 45 एंड 7 कंडीशन ट्रू हो गई, फर्स्ट वाली इफ वाली, क्या हो गया, n1 इज़ ग्रेटेस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही,
हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए, आगे के हम कल करेंगे। सो थैंक्स।